हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूँगा गवर्नमेंट ऑफ आसाम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है कंसल्टेंट एंड प्लानिंग मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूएशन ऑफिसर कंप्यूटर कम अकाउंट असिस्टेंट और ऑफिस पियोन। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले इसका जो डिटेल्स है, इस जो कि गवर्नमेंट जॉब के, उसके कुछ डिटेल्स यहाँ पे एक बार पढ़ लेता हूँ, उसके बाद इसका जो डिटेल्स है मैं आप लोग आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजिबल कैंडिडेट एज पर द क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट शोन बिलो फॉर द एंगेजमेंट अंडर द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आसाम एट खानापाड़ा ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिक्स आर इन्वाइटेड टू कम फॉर द टेस्ट वर्किंग इंटरव्यू टू बी हेल्ड ऑन 26 और 27 नवंबर 2018 एंड फ्रॉम 11 AM to 3 PM एज कृषि निवास डायरेक्टोरेट ऑफ एग्रीकल्चर आसाम खानापाड़ा गुवाहाटी 22। इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू कम टू इंटरव्यू विद अ कॉपी ऑफ एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब फ्रॉम फॉर्मेट एंड कॉपीज द ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। द फॉर्मेट फॉर द एप्लीकेशन मे बी डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट www.rkvyasam.in। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पेड फिक्स्ड रिम्यूनरेशन ओनली एज गिवन बिलो। तो दोस्तों, फर्स्ट पोस्ट आप लोगों को पता मैं बोल देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट जो है कंसल्टेंट, नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 2 और आपको क्वालिफिकेशन चाहिए आपको MSc एग्रीकल्चर एक्सपीरियंस इन रैंक ऑफ JDA एंड अबव 15 ईयर एक्सपीरियंस इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम। मैक्सिमम एज जो कि है यहाँ पे 33 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते और आपको सैलरी जो रहेगा यहाँ पे 40,000। डेट ऑफ इंटरव्यू जो है इसका 26 नवंबर 2018 11 AM। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको वॉकिंग इंटरव्यू के थ्रू यहाँ पे सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के थ्रू। यहाँ पे कोई भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं करना होगा, यहाँ पे ऑफलाइन जो कि एप्लीकेशन होगा। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूंगा किस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड कर सकते, उसके साथ किस तरह से आप फॉर्म जो है फिलअप कर सकते। तो सेकेंड पोस्ट जो है यहाँ पे प्लानिंग मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन ऑफिसर, जिसका वैकेंसी है यहाँ पे 2। MSc एग्रीकल्चर MSc इको MSc एग्रीकल्चर इन स्टैटिस्टिक विथ 60% मार्क्स एंड ए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो 43 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका सैलरी रहेगा 15,000 पर मंथ। इसका भी डेट ऑफ इंटरव्यू जो है यहाँ पे 26 नवंबर 2018 11 AM से शुरू होगा। उसके बाद थर्ड पोजीशन में जो है यहाँ पे पोस्ट है कंप्यूटर कम अकाउंट असिस्टेंट। वैकेंसी है 4। BSc BCom विथ 60% मार्क्स एंड डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। 43 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं और इसका सैलरी रहेगा आपको 10,000 पर मंथ। इसका जो इंटरव्यू होगा वाकई इंटरव्यू होगा 27 नवंबर 2018 11 AM से शुरू होगा। फोर्थ पोस्ट जो है यहाँ पे ऑफिस पियोन, वैकेंसी है 2 और इसके लिए आपको हायर सेकेंडरी जो कि पास्ट आपको होना चाहिए और एप्लीकेशन कर सकते 43 ईयर्स तक और 7,000 आपका यहाँ पे जो कि सैलरी रहेगा पर मंथ। इसका भी आपको इंटरव्यू जो होगा 27 नवंबर 2018 11 AM से शुरू होगा। आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको इंटरव्यू के जो वेन्यू है उसका डिटेल, उसका है कृषि निवास डायरेक्टोरेट ऑफ एग्रीकल्चर आसाम खानापाड़ा गुवाहाटी 26 एंड 27 नवंबर। इसका जो वॉकिंग इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों, इसके बाद मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि इसका फॉर्म क्या है, किस तरह से आप फॉर्म फिलअप कर सकते। तो इसका जो लिंक है मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके इसका PDF फाइल डाउनलोड करके उसका आप प्रिंट आउट करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ स्टेट स्टाफ ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल अंडर द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर आसाम गवर्नमेंट ऑफ आसाम।
तो दोस्तों यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ यहाँ पे आपको देना होगा उसके नीचे ठीक है आपको सिग्नेचर करना होगा। इसके साथ जो यहाँ पे आपको टू यह दिया हुआ है एक ये सब आपको वहाँ से मिल जाएगा फॉर्म के जो कि एडवर्टाइजमेंट है उसमें। तो उसके बाद यहाँ पे कौन सा पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो आप उस पोस्ट का नाम यहाँ पे दीजिए। उसके बाद आपको आपका जो नेम है लिखना होगा नेम ऑफ द कैंडिडेट फुल इन ब्लॉक लेटर। तो यहाँ पे ब्लॉक लेटर में आपको नाम लिखना होगा, उसके बाद आपका जेंडर देना होगा, उसके बाद आपका फादर्स नेम, आपका प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस विद पिन कोड आपको यहाँ पे देना होगा, नेशनलिटी आपका क्या है यहाँ पे देना होगा, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपको यहाँ पे देना होगा, आप आपका मैट्रिकुलेशन जो एडमिट कार्ड है वहाँ से दे सकते हैं, इसके अलावा आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट अगर है तो आप वहाँ से भी दे सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे आपको वो देना होगा। आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का जो भी आपका एलिजिबल सॉरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका ही डिटेल्स यहाँ पे आप लोग दीजिएगा। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में अगर कोई भी आपका एक्सपीरियंस है कोई भी काम काज या एम्प्लॉई अगर कोई भी कंपनी के पहले है थे तो उसका डिटेल्स यहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके बाद आपका एनी अदर रिलेवेशन और इन्फॉर्मेशन अगर है तो आप दे सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज अगर आपके पास है तो वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे देना होगा। तो इस तरह से आपको नीचे जो सिग्नेचर करके आपको यहाँ पे जो है आपको भेजना होगा। इसके साथ साथ आपका क्या क्या आपको यहाँ पे जो कि आपका चाहिए जो फॉर्म फिलअप करने के वक्त या इंटरव्यू के साथ लेने ले जाने के लिए मैं उसका भी एक बार बोल देता हूँ। तो फर्स्ट यहाँ पे है कैंडिडेट शुड केयरफुली ग्रो थ्रू द टर्म एंड कंडीशन एंड एडवर्टाइजमेंट पर्टिकुलरली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज लिमिट एक्सपीरियंस वेयर एक्सपीरियंस इज नेसेसरी ओनली द एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट हु फुलफिल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ व्हिच एप्लीकेबल शैल बी एंटरटेन देयर शुड बी अ स्पेयर्ड एप्लीकेशन सेपरेट एप्लीकेशन फॉर द ईच पोस्ट कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द एप्लीकेशन फ्रॉम इन प्रिस्क्राइब फ्रॉम द ऑरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर द डेट ऑफ बर्थ क्वालिफिकेशन मार्कशीट एंड ईच एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग एट द टाइम ऑफ रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के जो कि बेसिक से आपको सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ फिर से जो पोस्ट है यहाँ पे आपका कंसल्टेंट प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफिसर कंप्यूटर कम अकाउंट असिस्टेंट एंड ऑफिस पियोन। तो दोस्तों ये था जो कि गवर्नमेंट ऑफ आसाम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के रिसेंटली जो पोस्ट निकला हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं इंटरव्यू देना तो आपको इस डेट में जाके इंटरव्यू देना होगा। तो आप इंटरव्यू दे और उसके बाद आपका ये जॉब जो कि है आपको मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और देखते रहे लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू।